हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक देश कुवैत के बारे में बताऊंगा। कुवैत का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है, जिसे अरबी में दौलत अल कुवैत भी कहा जाता है। कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है पानी के करीब एक किला। कुवैत का एरिया 17,820 स्क्वायर किलोमीटर है और यह 9 द्वीपों पर बसा हुआ एक छोटा लेकिन बहुत अमीर देश है। यहाँ की आबादी लगभग 44 लाख है और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत सिटी का एरिया 200 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी आबादी 28 लाख है। कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है। एक कुवैती दिनार की कीमत लगभग 212 भारतीय रुपयों के बराबर है, जो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। कुवैत की आधिकारिक भाषा अरेबिक है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश भी काफ़ी बोली जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुवैत से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने नहीं सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं कुवैत के बारे में कुछ अमेजिंग, कुछ नया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अहमद हुसैन, आप देख रहे हैं ग्रेट फैक्ट्स। ब्रिटेन से कुवैत को आज़ादी 1961 को मिली थी। कुवैत की आबादी लगभग 44 लाख है, जिसमें से केवल 30% लोग ही मूल रूप से कुवैत के निवासी है। बाकी 70% लोग बाहर देशों से, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अलग अलग जगहों से आए हैं। यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, जिसका पालन लगभग सभी कुवैत के मूल निवासी करते हैं। जबकि कुवैत में बाहर से आए हुए लोगों में 64.1% इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, 26.4% ईसाई और 9% में हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्म के लोग आते हैं। कुवैत बहरीन के बाद एक लौती कंट्री है गल्फ में, जहाँ थोड़ी मात्रा में क्रिश्चियन भी रहते हैं। कुवैत एक रिपब्लिक कंट्री है और यहाँ पर वोट के आधार पर पार्लियामेंट बनाई जाती है, और 2005 से कुवैत में लड़कियों को चुनाव लड़ने की आज़ादी मिली। कुवैत के पब्लिक प्लेसेस में रमज़ान के वक्त दिन में खाना पीना, लाउड म्यूजिक बजाना और डांस करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा कुवैत में शराब बेचने और खरीदने पर पूरे साल प्रतिबंध लगा रहता है। कुवैत में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऑयल रिजर्वर है। यह देश पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। यहाँ 95% पैसा तेल से आता है। 2006 से रिमोट कंट्रोल रोबोट के द्वारा ऊँटों की रेस की शुरुआत कुवैत में ही की गई। यह देश दुनिया के सबसे ज़्यादा गर्म देशों में से एक है। यहाँ पूरे साल में औसतन सिर्फ 2 दिन ही बारिश होती है। कुवैत में सबसे गर्म टेम्परेचर 53 डिग्री सेल्सियस 31 जुलाई 2012 को रिकॉर्ड किया गया था। 1962 तक कुवैत में 19 जून को अपना नेशनल डे बनाते थे, लेकिन गर्मी की वजह से कुवैत ने अपना नेशनल डे 19 जून से हटाकर 25 फरवरी को मनाना शुरू कर दिया। कुवैत का राष्ट्रीय पक्षी फाल्कन यानी कि बाज है, और ये यहाँ हर जगह पाया जाता है। इसके अलावा कुवैत की करेंसी और स्टैम्प पर भी पाया जाता है। कुवैत में एक भी ट्रेन नहीं चलती, लेकिन इंसानों और कारों के रेशियो में यह देश गल्फ में पहले और दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। कुवैत में एक भी नदी और झील नहीं है, इसलिए इसे पीने का पानी समुद्र के पानी को फिल्टर करके बनाना पड़ता है। यह देश समतल रेगिस्तान पर बसा हुआ देश है। यहाँ पर जंगल नहीं है, लेकिन यहाँ की ज़मीन में अरबों बैरल तेल दबा हुआ है। कुवैत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी इसने 2005 में घास का गोल्फ कोर्स बना लिया था। इसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। ये थे कुवैत के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी अमेजिंग वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।